पापा को हमने कहा कि आप ऐसा स्टेप उठा रहे हैं, इसको बहुत रिस्क भी है, बट उन्होंने कहा मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं नहीं पीछे हटूंगा, मुझ पर बहुत लोगों ने ट्रस्ट करा है, मेरे पे बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पापा मेरे गए हैं, किसी का कुछ नहीं गया, गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स हैं, बता कर वाले किसने मारा है, रोज कोई मरता है, उनका कोई नहीं जा रहा है, जिनके घर के जा रहे हैं उनसे पूछिए, रोज किसी के घर का कोई मरता है, इतनी पावर्स है गवर्नमेंट के पास, ये पता नहीं करवा पा रहे कि किसके। यही है, ये मामला सुरक्षा एजेंसियों ने देखना है, लेकिन कुल मिला के पाकिस्तान की ये दरिंदगी है, जिन्होंने भी ये जघन्य अपराध किया है वो बच नहीं पाए। तो आप देख सकते हैं है, उनके घर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार लोगों में भी रोष है कि जिस तरीके से ये लगातार पंचों और सरपंच को और बीडीसी चेयरमैन की ये बौखलाहट है। श्री भूपेंद्र सिंह जी चुने हुए सरपंच थे बड़गाम जिले में और वो ब्लॉक समिति के अध्यक्ष थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, बहुत ईमानदारी से लोगों की सेवा का समर्थन समाप्त हो रहा है और बौखलाहट के अंदर आके इस प्रकार का अपराध आतंकवादियों ने किया है। आतंकवादियों की ये पहले बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना और इनका साफ कहना है कि जो कायद आतंकवादी है वो राजनीति जो कायद है उनको निशाना बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो सेपरेटिज्म है वो कश्मीर में खत्म हो रहा है, अलगाववाद खत्म हो रहा है और लोग भी जो है अलगाववादियों के प्रति जो है उनका रवैया बदल चुका है। कश्मीर घाटी में जो लोग जो है वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, तो इसीलिए आतंकवादी जो है बौखलाए हुए हैं और वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। इस समय जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना और यहाँ के जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता यहाँ पर भूपेंद्र सिंह के घर आए हैं और सिक्योरिटी मिली थी। देखिए पापा को हमने कहा कि आप ऐसा स्टेप उठा रहे हैं, इसको बहुत रिस्क भी है, बट उन्होंने कहा मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं नहीं पीछे हटूंगा, मुझ पर बहुत लोगों ने ट्रस्ट करा है, मेरे पे बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो किस्मत में होगा वो होगा। देखो पापा मेरे गए हैं, किसी का कुछ नहीं गया, गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स हैं, बता कर वाले किसने मारा है, हर रोज कोई मरता है, उनका कोई नहीं जा रहा है, जिनके घर के जा रहे हैं उनसे पूछिए, रोज किसी के घर का कोई मरता है, इतनी पास है गवर्नमेंट के पास, ये पता नहीं करवा पा रहे कि किसके घर के बच्चे मर रहे हैं, इतनी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी जान दे रही है उनके पीछे अपनी, और गवर्नमेंट कुछ पता नहीं करवा पा रही, रोज कोई नया मरता है, रोज टीवी पे नई फोटो डाल देते हैं, उनके लिए कुछ करो भी तो सही ना, फोटो डाल के क्या हो जाएगा। देखिए मैं करूंगी, मेरे पापा ने इनके लिए इतना करा है, वो लद्दाख से छोड़ के हमें छोड़ के अकेले यहाँ पे वहाँ पे खड़े थे, हमें भी साथ नहीं रखते थे, कहते थे नहीं, कितनी बार बोला पापा आपको थ्रेट मिल रहे हैं, प्लीज पीछे हो जाओ, हमारा भी सोचो, कहते नहीं मैं नहीं हटूंगा, मुझ पे बहुत लोग ने ट्रस्ट करा है, मुझे आज इतने लेवल पे पहुंचाया है, तो मैं नहीं पीछे हटूंगा, वो नहीं हटे हमसे लड़ाई करके, वो नहीं हटे पीछे, वो रहे अपनी जगह, वो ऐसे सुनने को आया, उनको था कि उनको बचा लेंगे लोग, खड़े रहे लोगों के लिए, देखते हैं आज गवर्नमेंट कैसे बचाएगी, करिए अपने गवर्नमेंट पावर यूज करें, देखते हैं कितनी पावर यूज कर लेंगे, करवा लें पता है पापा को किसने मारा, इतना मुश्किल तो नहीं है। मैं अमरजीत सिंह चोपड़ा। आप लोग हैं कि जिस तरह से आपके चाचा जी की निर्मम हत्या आतंकियों ने की है, उस
गुस्सा कितना ज्यादा और दुखी कितना ज्यादा? गुस्सा तो बहुत है, गुस्सा सरकार पे भी है, गुस्सा मिलिटेंट पे भी है। सरकार पे इसलिए है क्योंकि अगर वो सरकार पे गुस्सा इसलिए है कि अगर वो किसी को मतलब वॉलंटरी कहीं काम करने के लिए भेज रहे हैं तो उनको प्रॉपर वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। आपने देखा कि पिछले दिनों कितने सरपंच इन्होंने मार दिए, अब उसको एक चीज़ का नाम दिया जाता है मिलिटेंट ने मार दिया, बात ख़त्म। मोदी जी को ये चाहिए सोचना कि अगर ऐसे मतलब ये है, आप हीरोइनों को जेड सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी मिल रही है तो इन लोगों को क्यों नहीं मिल रही है जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के घर घर मतलब लोगों के घरों में जा के काम कर रहे हैं तो और फार फ्लांग एरियाज में जाके काम कर रहे हैं। अब जैसे मेरे चाचा जी थे, बहुत ही बहादुर थे, बहुत ही निडर थे, मतलब इन्होंने छोटे से एक मतलब काम से इन्होंने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, कोई ईमानदारी से किया। ले में ये काम करते थे, ले से इनको लोगों ने पर्सनली बुलाया, गांव के लोगों ने कि आप आओ और हमारी रहमरी करो, लेकिन बहुत काम किया है उन्होंने खाग एरिया में और अपने गांव में, बहुत एरिया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में। बेसिकली ये खाग के रहने वाले हैं, मतलब दलावशी एरिया के रहने वाले हैं और श्रीनगर में भी इनका घर है और यहाँ पर भी इनका घर है। परिवार में इनके तीन बच्चे हैं, मिसिज है, लड़की है, दो लड़के हैं, बहू है। बहुत ही निडर थे, परिवार के लिए ये बहुत बड़ा धक्का है, हमारे चोपड़ा फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा धक्का है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कह रहे हैं कि सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि वो इस चीज़ को देखें और इसकी जो ये कॉन्सिक्वेंसी है इसके पीछे किसका हाथ है उसके लिए हमारी हेल्प करें कि ताकि हमारे को भी ये आश्वासन मिले। पार्टी के साथ थे? ये किसी पार्टी के साथ नहीं थे लेकिन पार्टियों की सपोर्ट थी, निर्दलीय थे क्योंकि लोगों के बंदे थे, पार्टी के बंदे नहीं थे, लोगों के बंदे थे। इतना इनको विश्वास था लोगों पे कि मतलब इनको बोलते थे कि आप उसको गांव जाओ, ये करो, गांव नहीं जाओ, लेकिन ये नहीं मानते थे, बोलते नहीं मेरे अपने लोग हैं। बट अब सरकार से यही है कि हमारे को इनके ऊपर मतलब जो है ये कार्रवाई की जाए ताकि हमारे को भी संतुष्टि हो, परिवार को भी थोड़ा सा सहारा हो। थैंक यू जी। मानवता का कत्ल किया है, कश्मीर को लहूलुहान किया है। कश्मीर घाटी के बड़गाम में चुने हुए सरपंच, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, लोगों की भलाई के लिए काम करते थे, लोगों की सेवा करते थे, एक सच्चे ईमानदार हिंदुस्तानी थे और कायर फ्रस्ट्रेटेड गद्दार पाकिस्तानियों ने इस प्रकार की कायराना हरकत की है। आतंकवादियों ने अपनी मौत को बुलावा दिया है, इन सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। सेना ने सारे क्षेत्र को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कॉर्डन कर दिया गया है, ऑपरेशन चल रहा है, कोई जिंदा बच नहीं पाएगा। रविंद्र जी लगातार सिक्योरिटी की मांग कर रहा है, जिस प्रकार कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का सेना ने सफाया किया है और कश्मीर के लोग इस समय पूरी तरीके से सेना के साथ हैं। कश्मीर के अंदर जितने भी आम जनमानस है वो आतंकवादियों के काले कारनामों को अब जान चुका है। पाकिस्तान के आतंकवादी भोखलाहट में हैं और जिस तरीके से कश्मीर घाटी में विकास कार्यों में तेजी आई है, अमन शांति की बहाली हो रही है, लोग मिलकर रह रहे हैं, ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की काली करतूतें सारी दुनिया जानती है। जिन आतंकवादियों ने यह दरिंदगी की है उनको घेर दिया गया है, उनको जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। देखिए, भूपेंद्र सिंह जी की कल रात को खाग ब्लॉक के अंदर, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन्हीं के घर के अंदर, दिलवास इनका गांव था, उनके उस घर के अंदर जो है इनको कत्ल किया गया। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और जो पाकिस्तान प्रेस जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो पनपे ना, मजबूत ना हो, लेकिन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोग जो हैं इसके लिए जो हैं जहाँ जदोजहद कर रहे हैं कि जहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूती से काम करें, जहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए सैयद सलाउद्दीन हो,
حافظ سید ہو، آذر محمود ہو، آئی ایس آئی ہو، جو پاکستان آرمی ہو، ان کی کوشش ہے کہ جموں کشمیر کے اندر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ تباہ کیا جائے، جہاں لیکن جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے ایک جٹ ہو کر جو ہے وہ ایک طرف جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں، جہاں ہم لوگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو تباہ نہیں ہونے دیں گے، ختم نہیں ہونے دیں گے، ویک نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے چاہے ہم لوگوں کو کوئی بھی قربانی دینی پڑے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج تک ہمارے 21 لوگ جو ہیں وہ قربانیاں دے چکے ہیں اور آگے بھی ہم لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا سے ہماری اپیل ہے کہ جہاں سیکیورٹی کے لیے جو ہیں کچھ اچھے انتظامات جو ہیں ہمارے پنچایت ریپرزینٹیو کے لیے کیے جائیں۔ دیکھیے سیکیورٹی ان کو ضرور ملی تھی، لیکن وہی ایک یا دو پی ایس او، ایک دو پی ایس او سے سیکیورٹی نہیں کی جاتی، کی جا سکتی۔ جہاں سیکیورٹی ان کو پراپر سیکیورٹی جو ہے وہ دینی چاہیے تھی، اگر ان کو کیٹیگرائزیشن سیکیورٹی دی جاتی تو شاید آج ہی ہمارے بیچ میں زندہ ہوتے۔ بنون دوا بازار کوٹ روڈ لال چوک لے کر آیا ہے ایم آر پی کا دی اینڈ۔ اپنے میڈیکل ایکسپینسز پر کیجیے خوب بچت، اب آپ پا سکتے ہیں میڈیسنز پر 20% تک کے ڈسکاؤنٹ۔